Hi everyone, today I'm going to be discussing about one of the most researched topics on the internet. Internet usually gets blown away by this. Believe me guys, lakhon karodo, arbon log is topic ko daily research karte hain, how to become a millionaire, paisa kaise kamaya jaye, how to be a crorepati, lakhpati or whatever you want to become in life. Aur apne sapno ko pura kaise kiya jaye, अपने सपनों का घर कैसे बनाया जाए, अपने सपनों की वो गाड़ी कैसे ली जाए. सो गाइस, लेट्स डिस्कस हाउ टू बिकम वेल्थी. माय नेम इज लव खरर एंड आई एम फ्रॉम लर्न टू अर्न मनी ऑनलाइन डॉट कॉम. द पीपल हु यू लिसन टू, बी केयरफुल टू द आइडियाज दैट यू गेट फ्रॉम आउटसाइड. ऑलराइट गाइस, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ हैज टू बी, जब भी आप किसी भी शख्स के बीच में, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अपने आप को जिन लोगों के बीच में सराउंड करते हैं, वो जो चीज है बहुत महत्वपूर्ण होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप यू नो पतले हैं और आप अपने आप को मोटे लोगों के बीच में रखते हैं, तो होता क्या है कि आप भी एक टाइम आने के बाद उनके जैसे हो जाते हैं, बिकॉज उनकी जो फूड हैबिट्स होती हैं, उनकी थिंकिंग हैबिट्स होती हैं, यू एग्जैक्टली ट्राई एंड डुप्लीकेट देम. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सिटिंग इन बिटवीन अनदर फाइव पीपल और वो सारे यू नो फैटी फूड्स खाते हैं और आप अभी फिट हैं, आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा, उनकी जो वाइब्स होंगी, उनकी जो एनर्जीज होंगी, यू ट्राई एंड यू नो एब्जॉर्ब दोज एनर्जीज और धीरे धीरे यू स्टार्ट बिकमिंग लेजी, यू स्टार्ट अडॉप्टिंग टू दोज हैबिट्स की वो जिस टाइप का फैटी फूड खा रहे हैं. एग्जैक्टली इट हैपन्स जब आप किसी ऐसे शख्स के बीच में हैं जो कि खुद तो नेगेटिव है ही और आप लोगों को भी नेगेटिव करता है. So guys, what I actually mean to say is, आपको अपने लोगों का चुनाव या आप जिन लोगों के बीच में रहना चाहते हैं या कोई ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं अपने चारों ओर जो कि आपको पॉजिटिव रखे, आप कोई ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करना चाहते जिसके अंदर आप जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं वो आपको आपके सपनों को पूरा करने से रोके. So guys, let's move on to the next slide. Information getting in your head decides your life. जैसे कि अभी मैंने बात किया आप लोगों से कि जिन भी लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, आपका एटमॉस्फेयर जो है वो आपकी लाइफ को डिसाइड करता है. आप अपने सपनों को अगर साकार करना चाहते हैं, आपको भी ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा जो कि आपको ड्रीम कर एक एक सपना देखना सिखाएं, इंस्पायर करें, आपको हिम्मत दें कि नहीं हमें आगे बढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में. So what you watch and who you listen to is really very important, and often 99% of the speakers make up the information. Most of them doesn't even have wealth. How do they make money? Ask them. होता क्या है, generally कुछ लोग आपको कहते हैं कि okay मैं तो करोड़पति हूँ, मैं तो you know I make a lot of money every year. और ask them how did they make it, because generally देखा गया है कि बहुत से लोग okay एक मैं आपको example देता हूँ. आप एक किताब पढ़ते हैं, उस किताब के अंदर एक शख्स ने लिखा है कि मैंने इतने लोगों को करोड़पति बनाया, मैंने इतने लोगों को मिलियनेयर बनाया, बिलियनेयर बनाया. क्या वो खुद उससे पहले मिलियनेयर था? क्या वो खुद उससे पहले बिलियनेयर था? कुछ लोग सिर्फ किताब लिखना जानते हैं, कुछ लोग फॉर्मूलाज लिखना जानते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट दोज फॉर्मूलाज. गाइज, इस चीज को समझिएगा कि कुछ लोग फॉर्मूलाज लिखना जानते हैं पर एग्जीक्यूट नहीं करना जानते. कुछ लोग थ्योरी में अच्छे होंगे, कुछ लोग प्रैक्टिकल में अच्छे होंगे. तो जो प्रैक्टिकल में अच्छे होंगे, आप अगर उनसे सीखेंगे तो आप उनकी तरह बनेंगे. तो कभी भी कोई भी स्पीकर आपको कहता है कि मैं महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा हूं, मैं महीने का 5 लाख रुपया कमा रहा हूं, आस्क देम हाउ डिड यू मेक इट. Right, they must have made all their money teaching you. They haven't done anything real in life. Yahi cheez aapse maine abhi discuss ki, ki aap jab tak unse puchhenge nahi ki unhone actual mein aapko teaching dene se pehle khud paisa banaya ya nahi, wo aapke liye maine rakhta hai. Agar unhone apni asal zindagi mein khud hi paisa nahi banaya aur wo aapko teach karte karte paisa bana rahe hain, so they don't have that real formula, guys. You got to understand this thing.
बहुत से स्पीकर्स ऐसे होंगे, दे विल जस्ट टेल यू वी अर्न 2 लाख, वी अर्न 5 लाख, वी अर्न 1 करोड़ अ ईयर, बट उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है. इट्स जस्ट दैट उनके पास एक स्किल है जो कि स्पीकिंग का स्किल है, जो कि राइटिंग का स्किल है, बट आपको वेल्थ क्रिएशन का स्किल सीखना है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड गाइस. यू वांट टू मेक श्योर दैट दे द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग इज प्रूव्ड एंड हैज मेड मनी एक्चुअली. सो जो भी आपको इंफॉर्मेशन बाहर से मिल रही है, आपको उस इंफॉर्मेशन को जब आप कलेक्ट कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को आप सुन रहे हैं, अपने जर्नल में लिख रहे हैं, अपनी डायरी या कहीं भी लिख रहे हैं, आपको उस इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी चेक करनी होगी. क्या किसी ने उस फॉर्मूले से पैसा बनाया है या सिर्फ ये एक हॉज फॉर्मूला है कि किसी ने इससे पैसा नहीं बनाया. देखिए बहुत से ऐसे शख्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी किताब लिख के पैसा कमाया है, बट रियल लाइफ में अगर हम देखें उससे पहले उनके पास पैसा नहीं था. बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा पहले बनाया है, बाद में लोगों का हाथ पकड़ा है, जो कि आने वाली स्लाइड्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा. समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन द ट्रू एक्सपीरियंस. नोबडी वॉन्ट्स टू शेयर देयर सीक्रेट्स. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज नोबडी लाइक्स द कॉम्पिटिशन. होता क्या है, एक राजा जो है अगर अपने राज प्रजा को बता देगा वो, तो किस प्रकार वो राजा कहलाएगा. ये जितने भी लोग बड़े बने हैं, अगर वो अपनी अपनी वेल्थ क्रिएशन का मेथड आपको बता देंगे, तो एक दिन आप उनके जैसे बन जाएंगे और उस चीज से उन्हें डर लगता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि आपको यही बताएगी. सक्सेसफुल पीपल ऑफन सैबोटेज योर सक्सेस सो दैट यू कीप वर्किंग एज लेबर. That's what they want. अगर एक राजा है तो उसको प्रजा भी चाहिए, अगर कोई रईस है तो उसको ऐसे लोग भी चाहिए जो कि उसके काम को पूरा कर सके. अगर वो आपको अपनी डुप्लीकेसी का मेथड बता देंगे, अगर वो लोग आपको अपनी डुप्लीकेसी का मेथड बता देंगे या वेल्थ क्रिएशन का मेथड बता देंगे जो कि आप डुप्लीकेट कर सके और लाइफ के अंदर खुद आगे बढ़ सके, तो एक वो उनके लिए रिस्क है. यू वॉन्ट टू गेट दैट ट्रू नॉलेज. ओके टेल मी वन थिंग गाइस, हाउ मेनी पीपल यू हैव लिसन टू एंड हैव ग्रोन इन लाइफ और मेड मनी बिकॉज ऑफ देम. मुझे ऐसे लोगों के नाम बताइए इस कमेंट में. बहुत ही कम ऐसे शख्स होंगे जिनको सुन के आप आगे बढ़ जाएं, जिनको सुन के आपको लगा हो कि हाँ मेरी 3 महीने में या मेरी 2 साल में लाइफ चेंज हो जाएगी. और अगर ऐसा हुआ है तो आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जो आपको सिर्फ एक सपना दिखाना जानते हैं लेकिन उस सपने को आधार बनाकर उस सपने को पूरा करवाना नहीं जानते. आप ऐसे लोगों के बीच नहीं रहना चाहते, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था आपका एटमॉस्फेयर जो है बहुत जरूरी है. आप किन लोगों के बीच में रहते हैं वो बहुत जरूरी है. ऑलराइट, द फॉर्मूला फॉर मेकिंग मनी. ऑल ऑफ यू रियली वांट टू नो, डू यू वांट टू नो हाउ टू अट्रैक्ट द मनी. आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप पैसे को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट मनी इज, द पावर ऑफ मनी, द वैल्यू ऑफ मनी. यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट हाउ द यूनिवर्स एक्चुअली वर्क्स, हाउ इज दैट यू कैन मैनिफेस्ट सक्सेस इन योर लाइफ. आपको जानना होगा और ये जानना जरूरी है कि आप यूनिवर्स के अगर अगेंस्ट काम कर रहे हैं जो कि आपको यूनिवर्स कराना चाहती है, तो आप अपनी लाइफ में पैसा कभी नहीं बना सकते. इस बात को आप आज दीवार पर लिख लीजिए. अंडरस्टैंड वॉट योर डिजायर्स एंड गोल्स आर. यू नीड टू मेक श्योर कि आप जिस चीज को चाहते हैं आप उस चीज को फील कीजिए. आप जब भी भूखे हैं उस चीज के बारे में सोचिए, आप जब सांस ले रहे हैं उस चीज के बारे में सोचिए. यू नीड टू बी इन सिंक विद द यूनिवर्स, बट हाउ कैन यू बी, दैट इज वॉट द क्वेश्चन इज. जब भी आप एक सपना लेते हैं या कुछ सोचते हैं, मैं आपको कहता हूं कि आपको एक गाड़ी चाहिए. सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, फोकस करने से काम नहीं होगा, साथ साथ एक आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, तभी आप जाकर आगे बढ़ेंगे लाइफ में.
द सक्सेस इज डिफरेंट फॉर एवरीवन. सक्सेस का मीनिंग जो है हर किसी के लिए डिफरेंट होता है दोस्तों. यू नीड टू नो व्हाट योर डिजायर्स आर एंड यू गॉट टू हैव दैट क्लैरिटी. बी क्लियर अबाउट व्हाट यू रियली वांट एंड हाउ कैन यू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू. आई विल डिस्कस दिस इन माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड. बट खत्म करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, थिंक एज बिग एज यू कैन, बट उसके साथ आपको एक्शंस जो है उसके 10 times करने पड़ेंगे, उसके 10x करने पड़ेंगे. जब तक आप सिर्फ सपने ही लेते रहेंगे, आप सिर्फ सपने ही लेते रह जाएंगे. जब तक आप कोई एक्शन प्लान नहीं बनाएंगे, आप उन सपनों का आधार नहीं बनाएंगे, आप अपने सपनों को अचीव नहीं कर पाएंगे. आप अगर एक घर का सपना लेते हैं, आप मान लीजिए एक घर लेना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज आप क्या करते हैं, आप उस घर को महसूस करते हैं, उस घर को सोचते हैं कि हाँ मेरा घर जो है इस तरीके से होगा. देन आप एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, आप अपने सपनों का घर प्लान करवाते हैं. उसके बाद जब आर्किटेक्ट उस प्लान को बना देता है, आप जो भी आपके रीजन की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है या कोई काउंसिल होती है, वहां से उन प्लान्स को अप्रूव करवाते हैं और नेक्स्ट स्टेप जो है फाउंडेशन का जो है शुरू कराया जाता है. इस तरीके से एक नींव रखी जाती है आगे बढ़ के. सेम सेम चीज आपको अपने सपनों के साथ करनी होती है. मैं आपको इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा. आज से लगभग 14 साल पहले मैंने अपनी दीवार पे कुछ लिखा था. मैंने अपनी दीवार पे कुछ लिखा था कि मैं आने वाले टाइम में ये सब करके दिखाऊंगा. और मैं आज भी उस चीज को लिटरली फील करता हूं. उस चीज को मैंने अचीव कर लिया है लाइफ में दोस्तों, क्योंकि मैं उस चीज के बारे में सोचता था और साथ साथ कार्य करता था. एफर्ट्स, आपको अपनी लाइफ में एफर्ट्स डालने जरूरी हैं. आज मैंने उस चीज को अचीव कर लिया है, लेकिन साथ 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 ही साथ मेरा जो सक्सेस है वो अब आगे बढ़ चुका है. मुझे और चीज चाहिए लाइफ के अंदर. सो अगर आपको कोई भी चीज लाइफ में मिल जाती है, उसके उसे मिलने के बाद रुकिए नहीं, उसे मिलने के बाद और आगे बढ़िए. सिर्फ यही मैं कहना चाहूंगा दोस्तों. आने वाली और जो वीडियोस रहेंगी उसके अंदर मैं आपसे और डिस्कशन करूंगा कि किस तरीके से आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन होना है, किस तरीके से आपको अपने ड्रीम्स या अपने गोल्स लाइफ में बनाने हैं ताकि आप उन्हें अचीव कर सके. धन्यवाद दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. और जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरी वेबसाइट के ऊपर आइए, वहां पे मैं जो है आप लोगों को एक फ्री पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स जो है दे रहा हूँ, जो अभी मैं बिल्ड कर रहा हूँ, जिसे और हफ्ता या 2 हफ्ते लगेंगे. और जैसे ही वो पूरा हो जाता है तो आपको ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स जो है फ्री दिया जाएगा. धन्यवाद दोस्तों.